हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द डब्ल्यू टी आई टॉक्स हम देख रहे हैं आज कल पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल गेम प्ले है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो रहा है चेंज आ रहा है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं किस तरह रिन्यूएबल सिस्टम से लेके एनर्जी क्राइसिस से लेके मिलिट्री डिप्लोमेटिक तो इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है आजकल जियो स्ट्रेटिजिक तो वन कैन सी कि देर इज़ अ जियो स्ट्रेटिजिक चेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो ग्रेट पावर राइबल है वो तब्दील हो रही है उसमें न्यू एक्टर्स आ रहे हैं जो करंट एक्टर्स हैं उनमें डिक्लाइन या किसी की असेंट हो रही है इन सब को समझने के लिए हमने कहा क्यों ना हम एक नई सीरीज़ शुरू करें जिसके अंदर हम इस इस एस्पेक्ट एस पे इस डोमेन के ऊपर बात करें तो आज उसी एस्पेक्ट और डोमेन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट एहसन तारिक ही इज़ अ जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और अभी आजकल कल यू के ऊपर किताब भी लिख रहे हैं और अक्सर इनकी और मेरी बहस होती रहती है कि चाइना और यू में से कौन बेहतर है कौन तरक्की कर रहा है और कौन अदरवाइज जा रहा है तो आज जरा मैं इनसे बात करना चाहूँगा इसी पॉइंट पे ऐसे वेलकम थैंक यू वेरी मच उसामा और आई वोंट कॉल इट अ बहस और अ डिस्कशन क्योंकि द होल डिस्कशन इज वन साइडेड वी नो हु द रियल एलाइज आर वी नो हमारे साथ कौन सही है चाइनीस बिल्कुल दैट इज और एक हिस्ट्री भी हमारी पोर्टफोलियो पूरा अटैच है बिल्कुल तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूँ ग्रेट प्रोटेगनिस्ट ऑफ द होल चाइनीज कल्चर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द होल रीजन वुड यू सेट द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइना टूवर्ड्स पाकिस्तान इज मोर देन यू एस एस अच्छा इसके लिए आई वुड से येस और जो मैं आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो आपको एक रेफरेंस दूँगा वो दैट इज़ रॉबर्ट कैपलिन रॉबर्ट कैपलिन यू वुड ऑफकोर्स नो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द पास्ट हंड्रेड ईयर्स नेम्ड एज सच बाई द फॉरन पॉलिसी मैगजीन एज वेल और इन्होंने जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं ठीक है रिवेंज ऑफ़ जियोग्राफी वेरी फेमस वन ठीक है एशियस कॉल्ड रन एक अगर किसी ने आर्म्स रेस को समझना है साउथ एशिया uh -huh. के अंदर या इंडो पैसिफिक के अंदर तो वो किताब पढ़नी चाहिए उसको अच्छा उसी ने बताया इम्पोटेंस ऑफ जियोग्राफी की होती है uh -huh. देखिए दुनिया चाहे आज से दो हज़ार साल बाद भी अगर आप दुनिया देख लेंगे जो मर्जी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए जो मर्जी हो जाए एक चीज़ सेम रहेगी दैट इज़ जियोग्राफी ट्रू राइट जहाँ समुंदर है वो समुंदर ही रहेगा ड्रास्टिक कोई बात करें कोई अपोकोलिप्टिक इवेंट की तो उसमें कोई चेंज हो ट्रू तो चाइना वो इसके अंदर उस किताब में अपनी किताबों में उसके एक ऐसे इसका एक कोलेक्शन है उसमें बताता है कि जो जियोग्राफी होती है ना ये सबसे ज़्यादा डिटर्मिन कर, करती है किसी भी कंट्री की इवन पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक डॉक्ट्रीन को मिलिट्री को ऑफकोर्स तो ईस्टर्न हेमिसफेयर के अंदर वो दो दुनिया को दो तरह देखते हैं एक वेस्टर्न हेमिसफेयर एक ईस्टर्न हेमिसफेयर अब वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आपको पता है एक सुपर पावर पिछले हंड्रेड प्लस ईयर से एक ही चल रही है दैट इज यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली चाइना ने ग्रो करना शुरू किया ईस्टर्न हेमिसफेयर में तो जो ईस्टर्न हेमिसफेयर के अंदर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान वी हैवे बॉर्डर विथ चाइना वी कंटिन्यूस चाइना के साथ तो इट गोज विदाउट से चाइना अगर कभी जंग होती है कभी इमदाद चाहिए एड चाहिए इकॉनमी के लिए मिलिट्री के लिए डिप्लोमेटिकली आपके आइडियाज़ शेयर करने के लिए लैंग्वेज शेयर करने के लिए सॉफ्ट पावर के लिए जो ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड उसकी इंटेंसिटी वो सब कुछ चाइना के साथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं अच्छा इसके बजाय कि यूएस के साथ हो अब आप कहेंगे आई आई एल जस्ट फिनिश अपे इसका काउंटर पॉइंट ऑफ कोर्स देंगे आई कैन सी इट दैट यू वॉन्ट टू स्पीक जी जी तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक तो एक ही लिबरल आइडिया चलता रहा है और तो हम क्लासेस में आप भी पढ़ाते हैं मैं भी बच्चे पूछते हैं कोई क्वेश्चन करें कि सर ये तो ऐसे ही है फ्रीडम स्पीच तो ऐसे ही होती है बट ये कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती ये सिखाई जाती है जिसे आइडिया ऑफ मॉडर्निटी कहते हैं वो भी यू का वेस्ट West का वेस्टर्न यूरोप का चलता आ रहा है बट नाउ इज़ द टाइम एंड आई थिंक यू वुड एग्री अगे मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर करूंगा कि दैट इज़ बींग चैलेंज दैट इज़ बींग चेंज तो आगे आने वाली हमारी डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स uh, में एंड मिलिट्री में हर लिहाज से हमें पाकिस्तान की जो हम पाकिस्तान के लिए चाइना का साथ जो है हुँ. चाइना के साथ हमारी कैमराडरी हमारी दोस्ती बहुत ही सिग्निफिकेंट है बल्कि क्रिटिकल और क्रूशल है प्लीज़ आप बताएं क्या ख्याल आपका अच्छा मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ आपसे एज़ यू नो इट वेरी वेल स्पेशली अगर हम औरजन पर जाते पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस हुई थी hmm. तो लियाकत अली ख़ान के पास भी अपॉर्चुनिटी थी एंड वी हैड होल गेम प्ले जो कि अब्दुल सत्तार ने अपनी किताब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में भी डिस्क्राइब की है हाउ वी लीड यू एस ए टूवर्ड्स आर ओन डिज़ाइन और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न कार कारफरमा थी वो थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी सो आर आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर मोर अलाइन विद द यू एस अंड सिंस द फिफ्टीज के अंदर चार बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं और उसके बाद सिक्सटीज़ के अंदर भी एग्रीमेंट्स होते सेवेंटीज़ एटीज़ में तो फिर हमारी काफ़ी चल जाती है सो इट्स एंड टॉपसी टी किस्म का रिलेशनशिप था यू के साथ हमारा लेकिन इन तमाम वजूहत के बावजूद पाकिस्तान वॉज एट वन टाइम दी मोस्ट एलाइड अलाय एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द दिक्कटीज़ जो कि कोल्ड वॉर के दौरान थी एंड अपार्ट फ्राम देट जब हम सोवियत इन्विजन को देखते हैं तो पाकिस्तान वॉज द फ्रंट लाइन स्टेट्स और मुजाहिदीन को लेके जाना और उनकी ट्रेनिंग जो कि हमारे बहुत सारे पोलिटिकल और मिलिट्री स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी बड़ी क्लियरली बताई हुई है सो so, इस तमाम अगर मैं इस पूरे पैराफोनीलिया के अंदर देखता हूँ तो यू एस हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड अलाय जो कि बहुत सारे अच्छे कामोटेटर जो यू एस से अटैच रहते हैं लाइक हुसैन अकानी उन्होंने भी की हुई पाकिस्तान बिटवीन मॉस्टन मिलिट्री के अंदर ऑन द कॉन्ट्री साइड इफ़ आई हैव टू टेक योर दोज़ आर्गूमेंट्स ट्रू तो हम चाइना के साथ काफ़ी हद तक क्लैश में आते हैं जो कि शो करता है कि वी हैव अ डुप्लिसिटी ऑफ बिहेवियर 49 के अंदर माओ की रेवोल्यूशन आती चाइना के अंदर सो इट वाज अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन पाकिस्तान डज नॉट अ डेयर टूवर्ड द कम्युनिस्ट आइडियल्स और डे वन से हम लोग तो कैपिटलिज्म के प्रोमोटर्स एंड वी हैव बीन वी हैव गेनिंग द बेनिफिट्स ऑम कैपिटलिज्म तो यू ने इस पूरे टाइम में अगर आप इवन कंपेयर भी करें बिटवीन द एड तो यू की एड सर चाइना बाई एलेवन टाइम्स और अगर हम मिलिट्री एड की बात करते हैं दैट इजी थ्री टाइम्स तो ये वाली बातें जब हम सामने रखते हैं और फिर सिंस यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड आई डोंट डिस्प्यूट दैट एंड आई रील लाइक दैट अबाउट यू और मैं एंड्रू स्मॉल को, को कोड करता हूँ जिन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान द चाइना पाकिस्तान एक्सिस उन्होंने भी पाकिस्तान को क्वेश्चन किया था उस बुक के अंदर हालाँकि इज़ अ वेरी गुड चाइनीज़ कॉमडेटर एज वेल और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपने रिलेशनशिप विद चाइना के साथ एक तहमुल का मुजाहरा करना पड़ेगा सो जोग्रफ़ी के इस पैराडॉक्स को जो आपने स्टार्ट में बिल्ड किया था इस पूरे जोग्राफिकल पैराडॉक्स के अंदर वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू चैलेंज द आइडियल्स ऑफ हिस्ट्री एंड सी के क्या हमारी ज़रूरत है या वो नहीं है बिल्कुल तो रीजनलिज्म के कॉन्टेक्स में आके तो एवरी थिंग हम पिडोरी के हम लोग चाइना के साथ रहेंगे और बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ लेकिन इन्हीं रीजनस की बिनापे जब हम टू थाउजेंड टेन में देखते हैं सिक्सटीन और सेवनटीन के अंदर आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के पेपर्स आते हैं एंड और दो प्राइमरली वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वन इज़ द डेट ट्रैप एंड द अदर इज प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स सो प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट चाइना की वजह से पाकिस्तान के अंदर आया था एंड आई एम एफ एज कमेंडेड ऑन दैट बट आई वुड रिली लाइक योर ओपिनियन ऑन इट बिकॉज यूर वेरी गुड एट दिस थिंग्स तो थैंक यू सो मच एस एन फर्स्ट ऑफ ऑल और आपका बड़ा बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन आपने जो वर्ड बोला एंड यू सो आई आई सो स्मर्क स्मर्क दैट वाज दो चीजें पहले तो आपने कहा है कि आई ने या यूएस ने हमें जितनी सपोर्ट की है अच्छा आप या फिर जिस तरह अब हन से आप जैसे लोग या मतलब जो इस नजरिए को इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं लोग, <laughs> वो लोग वो इस पे तो बड़ा करते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है और ये वो भी आपको बताता हूं मैं कि कैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है ही नहीं लेकिन आपको पता है ये सारी एड ये सब कुछ आई है मैफ हम सबको पता है अब तो हर एक को पता लग गया है जितनी बार हम जा चुके हैं इट कम्स विद स्ट्रिंग अटैच्ड यू नो दैट और ये मैं आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात करूँ ओपिनियन नहीं।, नहीं चाइना जब किसी मुल्क में सपोर्ट uh, करता है या उसको कर देता है चाइना को कोई सरोकार कोई कंसर्न नहीं होता कि वहाँ uh, वहाँ क्या अलाइंस हैं वहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ चाइना मीन्स बिजनेस

लेकिन वो सब कुछ खाली उसी तरह नहीं आया इट हैड अ कॉस्ट ऑन अस ऑन द अदर हैंड मैं अब चाइना का बताता हूं आपको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अभी चाइना ने रिसेंटली बारह अफ्रीकन कंट्रीज का कर्जा माफ किया ट्रू अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट और मैं शेयर कर दूंगा लिंक उसका चैटम हाउस इन लंडन वेस्टर्न उसके मुताबिक चाइना हैज अबाउट मोर देन बिलियन डॉलर्स ऑफ है ठीक है जब उसके बजाय आईएमएफ हैज पीनालाइज नाइजीरिया या कोई और अफ्रीकन मुल्क था

जेफरी साक्स को पढ़े वो पहले उनका ही था बंदा वो चेंज हो गया बाद में प्रोसेलेटाइज हो गया अच्छा द दटलान्ट एक वेस्टर्न मीडिया आउटलेट है वेरी प्रेस्टीजियस वेरी गुड उसने पिछले दिनों मैं कहता हूँ और कोई आर्टिकल ना पढ़े उसका सिर्फ एक आर्टिकल पढ़े वो हुँ. भी हम लिंक लगा देंगे नीचे हुँ. उस एक आर्टिकल के अंदर उन दो तीन जो रिपोर्टर्स हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हुँ. उन लोगों ने

पॉपुलर के लिए रेवेन्यू ज्यादा करना था uh -huh. उन्होंने दो फेजिलिटीज बनवाई uh -huh. एक कैनेडियन लेवल इन एस कंपनी थी, एक कंपनी थी उनसे। uh -huh. उन्होंने कहा एक फेज करें फिर दूसरा फेज करें थर्ड फेज में आपको रेवेन्यू होना शुरू होगा uh -huh. उनको इतना टाइम नहीं है दैट फैमिली फर्स्ट वेंट टू इंडिया इंडिया रिजेक्टेडेडेड स्टेटेड स्टेटेड देर डेट ठीक है and Chinese के पास खुद गए the इसके अगेंस्ट अब मुझे exact figure नहीं याद लेकिन out of that, जो इनको दिया था बाकी उन्होंने अपने पास रखा आपको तो आई एम एफ लोन देते हुए कहता है कि आपने चाइना को नहीं देना True. वो डिले होता रहता है ठीक है अदर देन दैटेटरी प्रिडेटरी इकोनॉमिक्स के अलावा आप वैसे भी बात करें कि मैंने आपको बताया था कंडीशनैलिटी अटैच होती है आप लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री देखें आप एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था 1998 के अंदर उसके अंदर एशिया के तमाम कंट्रीज ने पता क्या उन्होंने कहा था कि जी अब क्राइसिस तो आ गया हम अपने अमंग्स द कंट्रीज हम 100 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाते है। एक तो करते हैं यू एस ट्रेजरी सेक्ट्री आई फोटन द नेम लेरी समर्सू ऑल फ्रॉम दू एस टू थाईलैंड सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते नहीं कर सकते

तो मैं बस वैसे जो आपने पॉइंट बताया आई एग्री मतलब डिप्लिसिटी की भी आपने बात की थी ना तो वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक हम तो तो पाकिस्तान टाइट रोप वॉकर नहीं होता जो सर्कस के अंदर एक तार पे चल रहा होता है वी आर इन दैट अभी आगे शो करेंगे इसके ऊपर किस तरह हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो रशिया पूरी करेगा हमारी ऑयल की नीड्स हैं वो जैसे जा वो रशिया पूरी करेगा बिल्कुल अच्छा। हमारी जो डिप्लोमेटिक है हमारी ट्रेड के मुताबिक है हमारी सॉफ्ट पावर की जो डायमेंशन है वो यूएस पूरी करेगा अदरवाइज एज वेल हम लोग बैलेंस नहीं शिफ्ट कर सकते बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये होता है कि जो ये वाली जितना साथ हमने यूएस का दिया ना जितना जितने एग्रीमेंट जितनी चीजें उतना ही हमें चाइना के साथ भी करना चाहिए चाहिए था चाहिए अभी और, अभी और। भी।, भी, should, अभी भी मुझे लगता है, अच्छा ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की आई फैसिनेशन ऑफ द ईस्ट नॉट दैट हम कोई मगरबदाएँ या मगरब से ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन देर इज़ अ होल प्रोसेस इन वर्ल्ड जिसमें तकरीबन तीन सौ साल की हिस्ट्री है इनलाइटनमेंट hmm. के एर के बाद रेनेसॉन्स से स्टार्ट होना शुरू हो गया था दे हैव डिवेलप्ड स्टेबल स्ट्रक्चर एंड स्टेबल सिस्टम दैन द ईस्ट सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग टू वर्ड्स इट पहली तो बात ही दूसरा बात आपने जो आई एम एफ को हमारे मुल्क में आई एम एफ को बड़ा ही एक बेहमत करके पोट्रे किया जाता है कि आई एम एस इज़ आई एम एफ इज़ सम्यूज बैंक और वो खा जाएगा और इस तरह कर देगा बट वी नेवर अंडरस्टैंड द हाउ वी केम टू बी इन द आई एम एफ और hmm. एक और चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते वो है कंडीशनैलिटी क्लास hmm. अगर ट्रीटी ऑफ आई एम एफ के अंदर देखें तो आई एम एफ आपके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपसे अप्रूवल लेता है <laughs> आप साइन करते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर फॉरन आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर और इकोनॉमिक <laughs> <मिनिस्टर> <laughs> टीम पूरी एग्री करती है hmm. सिग्नेचर करके आती है बिल्कुल एन एनी बैंक यूर एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट और आप ये बेहतर जानते हैं आप पाकिस्तान में किसी बैंक के पास जाएँ और आप जाके कर उसको कहें कि सर मुझे लोन चाहिए दे विल नॉट गिव यू लोन दे व ट्रूली वो आपसे कोलेट्रल डिमांड करेंगे लीन डिमांड करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो आपसे री प्लान पूछेंगे बिल्कुल ठीक है तो आई एम एफ आपसे पूछता है री प्लान क्या है आप कहते हैं भाई तबक्ल hmm. अब प्रॉब्लम ये कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इसका नहीं चल सकता तो आई एम एफ खुद प्रपोज करता है आपको कि अच्छा आपने रिपेमेंट करना है आप ऑयल की इतनी प्राइस बढ़ाएंगे जो एक्स्ट्रा मनी जनरेट होगा वो उससे आप रीपेमेंट करेंगे अच्छा आप इसमें बिजली के रेट्स बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा मनी जनरेट होगा मुझे रिपेमेंट करें अभी भी पाकिस्तान का फोर्टी परसेंट जो पूरा हमारा बजट है वो डेट सर्विसिंग पे चला जाता है तो ठीक है सो आई एम एफ इज नॉट द मॉन्स्टर दैट यू थिंक इट इज़ इट इज द नेसेसरी मॉन्स्टर दैट यू गो टूवर्ड एवरी ईयर हर साल जाते हैं आप उसके पास ये आपने बड़ी अच्छी बात की है लेकिन यू आर एग्रींग दैट इट्स देखें मैं ये नहीं कह रहा इट इज़ बिकॉज ऑफ अवर ओन एप्टीट्यूड हमारी गलती की वजह से सब जाते हैं हाई मैं खुद तो नहीं कहता हो ठीक है लेकिन कोई ऐसा शख्स या दुनिया में मुल्क है जो हर साल आप गलती करें और फिर कहे कि चलो बेटा आज कोई बात नहीं लेकिन आईएमएफ बट देर पिछले तीस सालों से हर साल आपको उसका, उसका तो मजबूर है अपने creation purpose तो है, वो उसी से पैसे लेते हैं फिर उसको आप तंग करते हैं गाली निकालते हैं

तो आईएमएफ का तो नहीं काम आपको बताएं कि आपने ये करना है आपने अपना कहां लगाना है उनका करेंसी का एक्सचेंज रेट का, का था तो आपने मेंटेन करना है अगर वो लोन दे भी रहे हैं तो वो मुल्क से वो चीज डिमांड करते हैं जो उसको तो उस बुरी है वही तो आपने तो उससे चीज तो नहीं हो जाती देर इज अ रिच हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटलीफ एक्सप्लॉइट्स In अच्छा ओल्ड लेटिन अमेरिका उसको सदन कौन कहते हैं चिली के अंदर अर्जेंटीना मैम मैं मतलब मैं, मैं, वैसे और ये नहीं मैं कह रहा कि हम हम ही जाते हैं ना मैं, मैं कह रहा हूँ लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन दैट मैं बात कर रहा हूँ कैन बी लेस बेनाइन अब उन्होंने शुरू किया, और, और, और किया, किया है किसी दिन स्पेसिफिकली इसकी इकनोमिक डोमेन को डिस्कस करेंगे आगे मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताए हमने जियो स्ट्रेटेजिक थोड़ी सी बाकी इकोनॉमिक मुझे ओवरऑल बताएं कि पाकिस्तान का अगर आप हम लोग थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जाएं अब पाकिस्तान के लिए क्या आप हाउ डू यू थिंक कैन बी द नेक्स्ट स्टेप व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप्स और व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फील्ड्स या डोमेन्स जिसके अंदर पाकिस्तान यू के साथ हो सकता है और यू उसको फ़ायदा दे सकता है या हम यू को फ़ायदा दे सकते हैं देखिए यू इज़ एन ऑफ पाकिस्तान थ्रू थिक एंड थिन हमारे रिलेशनशिप काफ़ी दफ़ा नीचे भी आए हुए हैं और अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप का तो एक कर्व बनती मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ रिलेशनशिप कैसे होता है हर रिलेशनशिप कर लेकिन है। जरा ज्यादा ट्रांजेक्शनल नेचर आ जाती है ठीक है तो हम जब यू एस के लिए कोई काम कर रहे हैं तो यू एस इज प्र हैप्पी बट यू एस इज रेडी टू एक्सटेंड द रिस्पेक्ट टू वर्ड्स पाकिस्तान विच इट गिव्स टू एनी सॉवरन नेशन और हमें उस चीज़ पर कैपिटलाइज करना चाहिए ठीक है यू एस इज़ ए गुड अला जियो स्ट्रैटेजिकली ना सिर्फ बल्कि डिप्लोमेटिकली यू के अंदर डब्ल्यू के अंदर आई एम एफ वर्ल्ड बैंक और अभी रिसेंट पिछले तीन चार महीनों के महीनों त्रूव कर दिए अगर आप यूएस को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे हुँ. तो यूएस आपके साथ नहीं होगा तो फिर आपके पास वो जो

इन ओवर लॉर्ड जो आपकी तरफ नजर रखे ठीक है और पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसके पास हमेशा ओवर लॉर्ड रहा है या तो हम चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमने यू एस के साथ आईंदा कोई डीलिंग नहीं करनी है तो हम उसके बाद फ्री एंड इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी प्रस्यू कर सकते हैं बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन उसकी बहुत सारी रीजनस हैं एक हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वी आर इन अ वेरी वेरी बैड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दूसरी चीज अफगानिस्तान को नंड हमारे साथ आ गया इंडिया फैक्टर हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं

ऑन दिस फैक्ट कि आप एक बड़ी पावर जो कि सुपर पावर भी लगती है एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर पावर तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है और हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बड़े ही की प्लेयर रह चुके हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम यू एस को सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिक नीड्स ना दिखाएं वी शुड टेल दैम अबाउट अर इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल बिल्कुल ठीक है आस्क देम फॉर वट काइंड ऑफ डोमेन दैट वी कैन यूज़ इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमिक्स के लिए है। क्योंकि हमारे पास डिप्लोमेटिक लेवरेज यू एस ने हमारे साथ काफ़ी दफ़ा की हुई कश्मीर इशू के ऊपर भी हमारे यूएस ने स्टांस को काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है प्रेजिडेंट जो पिछले थे डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं मीडिएशन के लिए भी तैयार हूँ सो वाइल वी आर जगलिंग बिटवीन सुपर पावर्स इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन कि पाकिस्तान एक या दूसरी की तरफ हो जाए सो टिल्ट शुड ऑलवेज रिमेन टूअर्ड द यू एस लेकिन रीजनल कनेड्रम्स को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली चाइना इज़ अ गुड पार्टनर और उसको उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितना वो हमें दे रहा है वेरी आपसे ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान विद चाइना और ऐसी क्या एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए कि चाइना हमारे साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो बाई एंड लार्ज कीपिंग द फैक्ट कि यू एस भी नाराज ना हो

एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रिजर्व करेंसी एंड आठ डिटर्मिनट चार्ट करते हैं मुल्क का तरक्की uh -huh. उसकी पीक उसका डिक्लाइन और स्टेगनसी ठीक और वह खूबसूरत मैं सबको कहूँगा एक वीडियो है बल्कि उसके ऊपर आई वुट एवरी वन एवरी स्टूडेंट स्पेशलीफ सी एस एसपायल वो वीडियो जरूर देखें फोर्टी मिनट्स की किताब उस किताब की वीडियो असेंबली उन एट डिटर्मिनेट्स को जब वो चार्ट करता है ना आपको

और दिस इज़ वन कैन से दिस इज़ ऑर्डर पहले कहते पहले पहले तो तो थे ना के जब अंग्रेजी बोली जाएगी तो लोग हंसते थे हुँ. अभी कहते हैं चाइनीज बोली जाएगी तो हंसते हैं ना सब इवन यू आई नो यू आर लाफिंग नो एंड आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ बट दैट्स ओके दैट्स ओके लेकिन मैं बता रहा हूं आपको तो इसी तरह अंग्रेजी बोली जाती है बट जब इस्लामिक वर्ल्ड था उस वक्त अरेबिक और और एक लैंग्वेज वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी तो मैं उस चार्ट के ऊपर उसको बेस बनाते हुए बात करू खाली ओपिनियन नहीं वैसे कि मुझे लगता है आयो नो तो उसके ऊपर बिकॉज चाइना इज ना राइजिंग पावर पाकिस्तान डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हमारी जियोस्ट्रटिजिक लोकेशन हमारी पॉपुलेशन लार्जेस्ट यूथ बर्ल्ज हमारी पोजिशन इन दुनिया में द बाउंड्रीज विशेर विद अफगानिस्तान एंड तो हमें चाहिए कि हम उस एक ग्रोइंग सुपर पावर के साथ जरूर लाइन रहे बी ऑन दिनिंग साइड बट हाउ डू यू मैनेज विद लाइन होते हैं

कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सारी आइडियोलॉजी चेंज करके चाइना के साथ चाइना री करें लेकिन चाइना कभी यही तो बात है मैंने शुरू में कह दी चाइना कभी चाहेगा ही नहीं कि आप चेंज करें चाइना कभी री ही नहीं करता वो अच्छे बिजनेस इट ओनली मीन्स बिजनेस तो आप मैं सबसे पहले चाइना का राइट स्टार्ट हुआ जीडीपी को अगर आप रेट परचेजिंग पावर पेरिटी अकॉर्डिंग टू द सेकंड मेजर परचेजिंग पावर पेरिटी विच इज बोथ अकॉर्डिंग टू दी आई और योर फेवरेट आई एम एफ बेटर मेजर टू थाउजेंड रुपी दो हजार hmm. 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 अठारह

मुझे ये लगता है कि China की इकॉनॉमीटर्स दैस नाउ और मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ आई थिंक वाई नोट लाइन दैट माई रेसनल फॉर इट और किस तरह सॉरी आपने पूछा था किस तरह करना है तो आई थिंक सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं कहता रहा हूँ देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला क्या है पेट्रोल प्राइसेस पेट्रोल बढ़ता है बकरे महंगे हो जाते हैं कपड़े महंगे हो जाते हैं हर चीज महंगी हो जाती है सब्जियां एवरीथिंग तो चाइना होल वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजल्ट इन द वर्ल्ड

वन ऑफ द एस्पेक्ट मैं अगर कि मैं चाहूंगा कि इस ऑयल के लिए आप करें hmm. आप फूड के ऊपर करें इन एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फूड सिक्योरिटी के ऊपर नॉलेज शेयरिंग नॉलेज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी शेयरिंग इन चीजों के ऊपर आई थिंक आई बिलीव दैट पाकिस्तान को काम करना चाहिए एंड वी शुड गेट अवर बोथ द कंट्री शुड गेट समो द रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशन लाइज के फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल और समथिंग लाइक दैट आप कहेंगे आप जॉब्स को असर होगा नहीं हमें वहाँ भी जॉब्स मिलेंगे चलें एंड पे एक कॉशन देना चाहूँगा मैं चाइना से रिलेटेड yes. और वो मैं बेसिकली तीन एंगल से दूंगा वन इज़ द हिस्ट्री लेसन सेकंड इज़ द डिप्लोमेटिक एंगल एंड थर्ड इज़ योर फेवरेट शी जिन पिंग की अपनी इसमें hmm. तो हिस्ट्री लेसन ये कि नाइनटीन एटीज़ में जब शाओ डेंग जिनको डेंग शाओपिंग भी कहा जाता है yes. वो पावर में आए थे तो उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की थी रीजनलिज्म की ओपन ट्रेड की और उसके बाद से चाइना वाज फॉलोइंग द कापी कैट मैकानिज़म hmm. और अबाउट टू 2003 तक बड़ा ही हार्डकोर कोर कॉपी कैट मैकेानाजम फॉलो किया चाइना ने और ये वो टाइम था जब द चाइनीज रियलाइज़ कि द रियल पावर डज नॉट लाई इन टोटल इकोनॉमी द रियल पावर रिलाइज़ विद द कंट्री दैट इज़ डूइंग आर एन डी और आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा किसके पास थी यू एस के पास एंड देन यू कैन ऑलसो सी जपान एस वेल सो टू थाउजेंड ट्वेल्व के जब बाद जब शी पावर में आते हैं तो ही स्टार्टड वर्किंग आर एन डी और हुआवे को बड़े बड़े लोन्स दिए गए स्टेट स्पॉसर एंटिटी करके बड़ा जबरदस्त स्पॉन्सर किया ना हुआवे इज़ एक्चुअली लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड आई आई एक्सेप्ट दैट सेकेंड पॉइंट इज दै जो चाइना की नई वर्ल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पर डिप्लोमैट पर बड़ा अच्छा आर्टिकल अच्छा 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 भी आया हुआ थे हाउ विद द चाइनीज डिप्लोमैट्स चेंज द्स और अपने वर्डिंग्स के अंदर वो अब डायरेक्टली कन्फ्रंट कर दें यू एस को और वो थोसिडीज ट्रैप को दोबारा रिवाइव करने की बातें हो रही हैं विच द कंट्री द वर्ल्ड डज नॉट सी दैट वे बटनीज चाइनीज़ आर प्रपोजिंग इट लाइक सो वर्ल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज़ द एंगल और थर्ड पॉइंट जब मेरा प्रेजिडेंट शी से मुतल है तो उनकी किताब है द गवर्नेंस ऑफ चाइना Hmm. उसके अंदर शी ने खुद ये बात लिखी है कि वी डू हैव मिलिट्री एम्बिशंस बिकॉज हमने अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है सो ऑल ऑफ दोज स्माल कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो ये बिलीव कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा दोस्त बना रहे हैं उन इन तमाम बातों से बाखबर रहें सो so, मैं व्ययर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम जिस बेहमत के साथ अटैच होना चाह रहे हैं वी विल हैव रेपरको वाट अबाउट द Your current friend, which ha China has one hmm. military base hmm. opened in 2017, if hmm. I'm not mistaken, hmm. one, hmm. Djibouti Horn of yes. Africa. Yes. US has more than 800 military bases across the world, which is four times the times of country in the world. I can add to that. US has, if you the black sites involved, karte, then it's 2500. no. why single out? वन कंट्रीज वन बेस और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि चाइना की मिलिट्री एम्बिशन है और ये सब कुछ है आई मीन दिस इज लिटरली दिस इज सो अवर्ड ब्लैट एंड हाँ तो मतलब और मैं भी ये व्यूअर्स को फिर बाबर मैं भी क्वेश्चन दे दू किलो समर्ट ऑफ एग्रेसिव मिलिट्री बहमत इट इज नॉट इफ हिस्ट्री इज एनी थिंग इट इज दस ऑफ इट ठीक है यू एस एज

बस और अगर दुनिया में हां और अगर दुनिया में कहीं कुछ होता तो imperative है तो हमारा इंपेरेटिव है मोर एन वो क्योंकि नेक लोग हैं दुनिया की, की दुनिया के खैर चाहते हैं द इंटरनेशनल पुलिसमैन नीड अ पुलिसमैन डोंट यू थिंक एंड इट इज टाइम दैट हायरार्की एस्टैब्लिश होनी चाहिए इट इज टाइम दैट दैट पुलिसमैन इज नाउ नाउ बी द चाइनीज अच्छा इस पूरे डिस्कशन में हम लोग ने सोशल एलिमेंट्स ह्यूमन राइट्स उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया सो जब हम सोशल पे इंशाल्लाह कभी टॉक करेंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू आप मुझे इनवाइट करेंगे दोबारा जरूर ऐसे